Recently, the trailer of Bijoy Nambiar's directorial Wazir was launched in Mumbai. Present at the event were Vidhu Vinod Chopra, Rajkumar Hirani, Jawed Akhtar, Farhan Akhtar, Aditi Rao Haidri, Neel Nitin Mukesh and Bijoy Nambiar. They spoke about the film and also shared their experiences of working together. It really, really was a very special script. It moved me from the word go. It's a very emotional film. I mean, I think there's so much focus here, actually in the trailer, on the thrill element, on the action element. But when you really get into watching the film, it moves you deeply. And it makes you think about things, you know, in life that are very, very important. This film is very interesting. And this kind of story. And because it's on the game, तो सारे जो मोहरे हैं यहाँ पे एक किस्म से बहुत ही दिलचस्प किस्म के कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में. तो जाहिर सी बात है कि जब मुझे बिजॉय और विधु सर ने इस कैरेक्टर के बारे में कहा तो काफ़ी सवाल जवाब उठे दिमाग में कि इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे कैसे किया जाए. और ख़ास तौर पे एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल किस्म का है, नेचर में बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. और क्योंकि इंटिमिडेट करना है, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर है, तो कहीं पे भी मुश्किल बात ये थी कि कैरेक्टर को लिखा ऐसा गया है कि कभी कभी कैरिकेचरिश हो सकता था. तो मेरा बस कंट्रीब्यूशन इतना ही था बिजॉय के साथ, और अमित सर यहाँ पे आज है नहीं, अमित जी उनके साथ, कि इस कैरेक्टर को कैरिकेचरिश कैसे ना बनाएं और जितना इसे डरावना बनाएं उतना ज़्यादा इसका जो डर है फिल्म में रहेगा आपके साथ. दो ही चीज़ें हैं जो इस फिल्म में बहुत बाकी फिल्मों से बहुत अलग हैं. एक तो इस फिल्म की कहानी जो है वो जैसा अभी जाते हैं आपसे काम ने 5 साल ये कहानी लिखी है, और उसके बाद जब बिजॉय और ये राइटर्स आए तो इनको लगा कि कहानी रेडी है, अप्रैल में शूट कर लेंगे. उसके बाद हम लोग 2 साल और लिखते रहे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बिजॉय हाउ मेनी इयर्स वी रोट द हिंदी वर्जन? ऑलमोस्ट 2 इयर्स. 2 साल. तो ये कहानी लिखने में हमको 5 और 2 अगर पकड़ेंगे तो इतने साल लगे हैं. तो वो बहुत बड़ी बात है इस फिल्म की कि बहुत अच्छी आपको लगेगी कहानी. और दूसरा मैं समझता हूँ कि मेरे लिए जब मैंने फिल्म देखी थी और मैंने देखा कि फरहान का पहला एक्शन रोल है और इसने किया है, तो वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. और तीसरा, जो फरहान और अमिताभ बच्चन जो हैं दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स, बहुत कमाल के एक्टर्स हैं, तो इन दोनों को साथ में देखना, अगर मैंने ये फिल्म ना भी बनाई होती तो मैं इन दोनों को साथ में देखने के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये फिल्म देखता. We were just actually taking a chance in the sense, you know, because it was a special appearance. So I was not really sure whether he would want to be part of it. So I first bounced it off with Vinod sir. Vinod sir said, why not just pick up the phone and ask him? And it was as simple as that. And he was actually excited about, even though, you know, it was a special appearance, he was quite excited to be part of it. So it was as simple as that. He just fit the role to the T.